डांस करती है निम्बोली, बहुत अच्छा गाती है निम्बोली। छोटी सी उम्र पर नाई रे। कभी इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज जीत चुकी है निम्बोली। भाई ये बालिका वधु तो बड़ी ही टैलेंटेड है, पर्दे पर रुलाती है लेकिन रियल लाइफ में क्या खूब नाचती है। आज सास बहू और बेटिया में हम आपको बालिका वधु की निम्बोली यानी ग्रेसी गोस्वामी के कुछ ऐसे रंग दिखाएंगे जो आपको कभी बालिका वधु में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए हमें चलना होगा ग्रेसी के घर, उनके साथ बिताना होगा पूरा दिन और उन्हें कहना होगा गुड मॉर्निंग। हाय, वेलकम सास बहू और बेटिया टू माय होम। पहचाना आपने इनको? हमने तो नहीं पहचाना, आप वही निम्बोली हो? हाँ, मैं वही निम्बोली हूँ। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम रेडी हुई थी निम्बोली के लिए तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाई थी, तो आई एम क्वाइट नॉट श्योर कि आप लोग मुझे पहचान पाए, लेकिन हाँ मैं वही निम्बोली हूँ। मैं जैसी दिख रही हूँ मैं वैसी हूँ, और मैं निम्बोली की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ, मैं काम से भागती हूँ। हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है, निम्बोली को पसंद नहीं है। और निम्बोली और ग्रेसी दोनों 11 साल के हैं। तो हम जब आपके घर में आए हैं तो थोड़ा हमें आपके घर की सैर करवाएंगी? हाँ श्योर, चलो। ये हमारा लिविंग रूम है और इधर से सब कुछ दिखता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है। ये मेरा फेवरेट टेडी है जो मुझे गिफ्ट में मिला था। ये डॉल है जो मुझे सेट पे से गिफ्ट दिया था, और ये मेरा आईटा अवार्ड है जो बालिका को मिला था और मैंने रिसीव किया था। ये बारबी सेट है जो मैं अक्सर अपनी बहन के साथ खेलती हूँ। एक्चुअली ये मेरी बहन का है लेकिन मैंने इसको इधर रख लिया है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। मैंने इधर कुछ चीजें बनाई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे आर्ट बहुत पसंद है तो मैंने क्विलिंग से ये डॉल बनाई है। अपने लिविंग रूम की सैर कराने के बाद निम्बोली यानी कि ग्रेसी ने हमें अपना बिग फूड बास्केट दिखाया। इसमें बोनवीटा है और ड्राई फ्रूट। अक्सर मम्मी पैक करती है लेकिन हाँ कभी कभी लेट कॉल टाइम होता है या फिर मैं स्कूल जाके जा रही होती हूँ तो मैं खुद पैक करती हूँ। फाइनली रेडी हो गया है मेरे खाने पीने का बॉक्स। ये है मेरी मम्मा। मामा का नाम है वैशाली। फुल नेम वैशाली गोस्वामी। मम्मा बहुत ख्याल रखती है मेरा। सुबह मैं तो बहुत लेट उठती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन मम्मा सुबह से उठ के मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे लिए गर्म पानी रखती है, फिर मुझे बोलती है कि एक्सरसाइज करो फिट रहो, एक्सरसाइज करो फिट रहो, और मम्मा मेरे लिए सब कुछ करती है।
जो काम करती है वो परफेक्ट, इतना परफेक्ट होता है कि वो मुझे उसे ठीक करने में एक घंटा और ज़्यादा लग जाता है। तो उससे बेटर उसे करवाना ही नहीं है। तेल पानी मिक्स कर देना या फिर फ्रिज खोलो तो फ्रिज के अंदर से सब कुछ, पहले तो चीज़ें सब बाहर आ जाएगी, मम्मा ये ठीक नहीं रखा, वो ठीक नहीं रखा, तो वो ठीक करने में मेरा आधा घंटा और चला जाएगा। तो उससे बेटर उससे नहीं करवाओ। चलो तो अभी हम जाते हैं बेडरूम में। ये है मेरा बेडरूम जिधर मैं फैल के सोती हूँ, और ये भगवान जी का मंदिर है। वो मेरी छोटी बहन की मोटरसाइकिल है। अपने होम स्वीट होम की सैर कराने के बाद निम्बोली ने थोड़ा वक्त निकाला अपने एक्सरसाइज के लिए। सेट पर जाने से पहले उन्होंने स्किपिंग किया। मैं थकी तो हूँ स्किपिंग करके, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस 100 स्किपिंग की है। मेरा एक और टैलेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो है डांस। तो मैं अभी एक डांस परफॉर्म करूंगी। अब सेट पे चलते हैं, बाकी की बातें गाड़ी में। सुनो तो जरा, हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना, सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा, आंखें मसलता है सारा ये समा। अपने घर से सेट तक के सफर में निम्बोली यानी कि ग्रेसी ने अपने बारे में कई सारी और बातें शेयर की। मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और इंग्लिश है, और बाकी सब सब्जेक्ट भी मुझे पसंद है। और मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं जिमनास्टिक्स करती हूँ। मुझे जिमनास्टिक्स करना भी बहुत पसंद है। कथक के मैं 6th ईयर में हूँ। बस एक और साल और फिर मैं डिग्री कर पाऊँगी कथक की। और मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैंने आपको दिखाया। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मैंने रिसेंटली बालिका वधु का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। बालिका वधु का पहले वाला सॉन्ग गाती हूँ। छोटी सी उम्र पर नाई रे भाभोसा करियो थारो काई मैं कस। वही तो चाहिए होता है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे रहे, और इसमें वो बचपना है। जैसे ही वो मुझे देखेगी वो दूर से चिल्लाएगी, माँ
और ये हमेशा बोलते हैं कि तुम मत मिलो मुझे बेटी, तुम मत मिलो मुझे। देखो मुझे स्क्रिप्ट भी मिल गई है, इससे प्रूव हो जाता है कि वी आर ऑन द सेट ऑफ बालिका, सो लेट्स गो टू द मेकअप रूम। ये अपने लुक में नहीं है तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है हमारे क्रैक पुष्कर जी का, ये है मेरे कुंदन जी जिनको मैं बहुत मारती हूँ ऑफ कोर्स, ये है पूजा जो मेरी अच्छी फ्रेंड है, ये पूजा की मॉम है जो एक्चुअली दीदी जैसी लग रही है, और ये है मनु भैया की मॉम यानी कि इनके पति की मॉम, और ये मनु भैया पूजा के पति। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू। हाय उर्मी जी जी, एंड दिस इज उर्मी जी जी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ग्रेसी से निम्बोली कैसे बनती हूँ। सब लोग आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ अंडर आइज पे टचअप कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब मेरा ओके है, तो ऐसे ही मैं ब्यूटीफुल हूँ। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए। नहीं मैं लिपस्टिक विपस्टिक कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लगाती हूँ ताकि मेरे अंडर आइज जो है जो ना सोने की वजह से थोड़े से बढ़ चुके हैं वो ना दिखे और मेरी स्किन स्क्रीन पे शाइन ना करे। मैं अपने लिप्स की बहुत केयर करती हूँ क्योंकि अक्सर वो फट जाते हैं, तो मैं लिप बटर ऑलवेज लगाती हूँ लेकिन मैं लिपस्टिक कभी अप्लाई नहीं करती। बहुत हेल्प करती है और इनकी वजह से आज क्लास में मैं मैथ्स में ना फटाफट आंसर दे रही। कभी लड़े लड़े से थे, फाइनली मैं ग्रेसी से निम्बोड़ी में चेंज हो चुकी हूँ, मैं ग्रेसी से निम्बोड़ी बन चुकी हूँ। ये है मेरा घाघरा विथ फुल बांधनी वर्क, ये मेरी चुन्नी विथ फुल बांधनी वर्क, चट्टे बट्टे हैं अब एक थाली। अब मैं सीन करने के लिए सेट पे जाने के लिए ऑल सेट हूँ। ये था निम्बोली यानी ग्रेसी का घर से लेके सेट तक का सफर, हमें तो भाई बहुत मजा आया। ग्रेसी आपको कितना मजा आया? सास बहू और बेटिया के साथ मुझे बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों को भी ग्रेसी से निम्बोली तक का सफर पसंद आए। ये फर्स्ट शो है सास बहू और बेटिया जिसने मेरी घर से लेके सेट तक पूरी जर्नी शूट की है। आपकी लाडली सीरियल बालिका वधू को प्यार दे रहे हो उसी तरह प्यार देते जाओ, और मुझे देखना चाहते हो तो बालिका को देखो। हमारी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैमरा पर्सन साईदत के साथ पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज तक। चट्टे बट्टे।